अगली खबर फरीदाबाद से। करीब 3 महीने बाद आज फरीदाबाद में मॉल्स खोलने का काम किया गया। दिल्ली बदरपुर बॉर्डर के पास फरीदाबाद के एक मॉल में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, इसका जायजा लिया मेरे सहयोगी विनोद लांबा ने। हमारा टेम्परेचर आते ही चेक किया गया है और जो गार्ड्स हैं वो कितना टेम्परेचर था मेरा 35.7 सेफ है। कितने से ज्यादा को आप एंट्री नहीं करने देंगे? आप 38 से ज्यादा नहीं करेंगे सर, 38 से ज्यादा एंट्री नहीं होगी, नहीं करेंगे। ग्लव्स हैं इन गार्ड्स के पास, सैनिटाइजर की यहाँ व्यवस्था है। मुझे भी इशारा किया गया कि भाई आप भी जरा थोड़ा सा सैनिटाइज हो जाइए, तो निश्चित तौर पर इन सुविधाओं का ध्यान रखें। आपके पास भी गार्ड वार्ड है, महिलाओं की चेकिंग आप करेंगे? प्रतीक गुप्ता है हमारे साथ, ये पूरा मैनेजमेंट देखते हैं, पूरा सिस्टम देखते हैं। जी, आज आप लोग की शुरुआत कर रहे हैं, एसओपी के मुताबिक ही खोली गई है तमाम? हाँ जी सर, सारी जो गाइडलाइंस आई थी एसओपी के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग ही हमने सारा कुछ फॉलो करके, जैसे आप देखेंगे अभी प्रॉपरली हमने फॉलो किया है सारी गाइडलाइंस। गाइडलाइंस में संडे को लेकर क्या कहा गया है कि ये संडे खुलेगा या नहीं खुलेगा? सर गाइडलाइंस का संडे का कोई नाम नहीं था, बट आई थिंक संडे शुड बी एप्लीकेबल सेम 10 AM to 8 PM। 10 बजे से 8 बजे तक की आप लोग, मंडे टू सैटरडे तक का तो है, लेकिन संडे का जो है वो गाइडलाइन में नहीं लिखा था, तो वो चेक करना पड़ेगा। कितना स्टाफ आपने डिप्लॉय किया है इसके लिए कि भाई आगों की व्यवस्था हो पाए? सर कम से कम कहते पूरे जो स्टाफ, पूरा मॉल का जो स्टाफ है वो सारा गार्ड वार्ड क्या कहते हैं हमारे, क्या कहते हैं हम लोग खुद मॉल मैनेजमेंट सब इसके अंदर ही लगे हुए हैं जितना हमारा स्टाफ है। प्रतीक जी, एक आखिरी सवाल, कितने शोरूम हैं आपके पास, मतलब नंबर ऑफ शॉप्स की अगर मैं बात करूं इस मॉल की? अब दिल्ली से भी लोग आएंगे यहाँ क्योंकि दिल्ली के सबसे नज़दीक मॉल है? हाँ जी सर, दिल्ली से जो है कहते हैं आप, जैसे आपका जीके हो गया, आपका ओखला हो गया, सबसे ज़्यादा जो लोग दिल्ली के आते हैं वो यहाँ शॉप करने रिलायंस डिजिटल जो स्टोर है नीचे वहाँ पर आते हैं। बाकी अभी तक एज पर जो 3 महीने का सिनेरियो था उसको देखते हुए, टच वुड, किसी टेनेंट ने या किसी शॉपकीपर ने हमारे मॉल से, जैसे बाकी मॉल में लोग छोड़ के जा रहे हैं या दे आर खाली कर गए या दे आर चेंजिंग देयर कॉन्सेप्ट कि रादर देन ओपनिंग अ रेस्टोरेंट दे ओपनिंग अ कियोस्क आउटसाइड, तो वो लोग जो है यहाँ पे आज तक कभी ऐसा, अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ। चलिए अब बाकी जगह देखते हैं और बाकी जो शॉप इनके खुले हुए हैं किस तरह की व्यवस्था है। यहाँ गार्ड पे हमारी जो गार्ड्स ने प्रॉपर चेकिंग की, एक पेंटलूम का एक शोरूम बताया जा रहा है ये, और यहाँ भी आप लोग व्यवस्था कर रहे हैं। बाहर तो गेट पे मास्क नहीं है आपका, अरे मास्क नहीं लगा रहे हैं आप भी, कैसे करेंगे फिर? ये गार्ड साहब के पास तो शील्ड विल्ड है, यहाँ भी चेकिंग होगी अलग से, टेम्परेचर भी चेक करेंगे, और वो मेन गेट से जो लोग आते हैं उसके बाद अलग से आपकी अगर शॉप्स में आपके शोरूम्स में आता है तो वहाँ भी चेकिंग जी सर। तो इस तरह की व्यवस्था है कि मेन गेट से आप आते हैं तो वहां तो आपकी चेकिंग होगी ही, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप शोरूम में देखें तो तमाम व्यवस्थाएं नज़र आ रही हैं, और जो अलग अलग डिफरेंट शॉप्स हैं, शोरूम्स हैं, वहां भी इस तरह की व्यवस्था है कि मेन एंट्री से करने वाले, उसके अलावा भी तमाम जो शोरूम्स हैं वहाँ भी इस तरह की जो गार्ड्स वगैरह ने जो चेकिंग की थी, तमाम जो शोरूम के लोग हैं, अलग डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के शोरूम होते हैं वहाँ भी, तब के पास मास्क है, सैनिटाइजर वगैरह भी रखा हुआ है आपने। तो आगे कुछ और दुकानें देखते हैं और देखते हैं कि मॉल में करीब करीब 3 महीने बाद ये मॉल खुले हैं और किस तरह की व्यवस्था नजर आ रही है। तो फरीदाबाद के शोरूम में चारों तरफ अगर आप नज़र दौड़ा के देखें तो तमाम आपको जो शोरूम्स थे वो खुले नजर आएंगे, और मॉल के अंदर जिस तरह से ओपनिंग की गई है उसके अलावा छोटे जो काउंटर्स थे फूड के वो भी नज़र आ रहे हैं। तो कुछ लोग अभी भी थोड़े कम अवेयर नज़र आ रहे हैं, लेकिन शोरूम की अगर बात की जाए तो लगभग सभी शॉप्स खुल चुकी हैं, और कहा जा सकता है कि 3 महीने बाद जो खासतौर से फरीदाबाद और गुरुगांव के मॉल्स लगातार बंद थे, बाकी हरियाणा में खुल गए थे और बाकी राज्यों में खुल गए थे, तो दिल्ली के साथ सटे हुए फरीदाबाद में भी आज मॉल्स की जो ओपनिंग है, बहुत ज़्यादा ग्राहक भले ही नजर ना आ रहे हों लेकिन दुकानदार अब तक सतर्क नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद से विनोद लांबा, टोटल न्यूज़।